सब तो पहला मैं यही गल कह लगा भी मैनू ऐ लगता भी मैं इतो गया ही नहीं अजे इत ही पढ़ रहा हूं अजे मैं क्योंकि इसे लैक्चर स्टैंड तो इसे स्टेज तो मेरी ते मान साहब की शुरुआत हुई सी जिते प्रोग्राम उलीकिया गया सी उत्ते जदों पता लग्या तां मान साहब का फोन आया कि कॉलेज वालों कह दी प्रिंसीपल साहब नूं कह दी मैनेजमेंट नूं कह दी कि तुसी मंगा नहीं मंगणिया तुसी अपने हक मंगणे ने जदों कॉलेज पढ़ते सी मान साहब का जिहड़ा पंजाब प्रति दर्द सी उन्हां दीआं सकिटां चों उन्हां दे गीतां चों झलकदा सी जदों किते असी कंपीटीशन लड़न जांदे कई बारी भाषण मुकाबले हुंदे सी ते एक हक च बोलदा हुंदा सी ते एक विरोध दे विच ते जिहड़े लैक्चर लिखे जांदे सी जे मैं हक च बोलना हुंदा तां इन्हां दे विरोध दे विच ओह दोनों लैक्चर इही लिख के दिंदे सी किवें हो सुनाम वाले हो क्या बात है स्वाद लिया दें इलाका इलाका ही हुंदा है सो सब तो पहला मुख मेहमान जी प्रिंसीपल साहब प्रोफेसर साहबान ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों सब तो पहला मैं यही गल कह लगा भी मैनू ऐ लगता भी मैं इतों गया ही नहीं अजे इत ही पढ़ रहा हूं अजे मैं क्योंकि इसे लैक्चर स्टैंड तो इसे स्टेज तो मेरी ते मान साहब की शुरुआत हुई सी बाकी ये जिते प्रोग्राम उलीकिया गया सी उत्ते जदों पता लग्या तां मान साहब का फोन आया कि कॉलेज वालों कह दी प्रिंसीपल साहब नूं कह दी मैनेजमेंट नूं कह दी कि तुसी मंगा नहीं मंगणियां तुसी अपने हक मंगणे ने मैं मंगा मंगण वाले कॉलेज होर ने इत्थे थोड़ा हक बनता है मैनूं ऐ लगता भी मंगा भी बहुत थोड़ियां ने जिन्ना कुछ इन्हां ने दे के जाना है हो सकता तुहानूं पता ही ना होवे सो साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी साडे मानयोग मंत्री साहब अमन अरोड़ा जी वरिंदर वकील जी साडी भैण भरा जी उदनी जी चेयरमैन साहब सारयां नूं जी आया जिन्ने साडे मित्र बैठे ने सारयां नूं जी आया पम्मी बाई होणा नूं लाली बाई होणा नूं सो सारे जिन्ने भी ऑफिसर साहबान आए साडे मानयोग इको मैनूं जिन्हां कोल मैं पढ़िया मैडम शमशेर जी बैठे ने और सानूं माण है कि असीं इन्हां कोलों पढ़े हां सो बड़ा चंगा लगता जो कॉलेज के आने साड़ी जे दोस्ती की गल करिए लाइब्रेरी के पिछे एक बोर्ड सीगा बोर्ड के थले मेरी ते मान साहब की मुलाकात हुई सी पहली ते बोर्ड दियां जिवें जड़ां डूंगियां हुंदियां ने शायद साड़ी यारी दियां भी उस तरह जड़ां ने शायद तां ही रब ने उह सबब बनाया कि बोर्ड थले साड़ी यारी लगी सो जदों कॉलेज पढ़ते सी मान साहब दा जिहड़ा पंजाब प्रति दर्द सी उन्हां दीआं सकिटां चों उन्हां दे गीतां चों झलकदा सी जदों किते असी कंपीटीशन लड़न जांदे कई वारी भाषण मुकाबले हुंदे सी ते इक हक च बोलदा हुंदा सी ते इक विरोध दे विच ते जिहड़े लैक्चर लिखे जांदे सी जे मैं हक च बोलना हुंदा तां इन्हां दे विरोध दे विच ओह दोनों लैक्चर इही लिख के दिंदे सी वी तूं मेरे विरुद्ध इह बोलना है सो इत्थे एक खंभा जिहा होऊगा इत्थे लग्या हुंदा सीगा एक छोटा जिहा रेडियो हुंदा उहदे रेडियो दे उत्ते ही सैल पाए हुंदे ते रबड़ दे नाल चढ़ाए हुंदे ऐ खंभे नाल लगे खड़े हुंदे कदे क्रिकेट दी कमेंटरी सुन रहे हुंदे एक रगबी गेम है सानूं उहदा नाम भी लैणा नहीं आउंदा जदों उहदी कमेंटरी सुणदे हुंदे रेडियो ते सो पहले दिन तों चाहे कोई दुनिया दा कोई पॉलिटिक्स दा मुद्दा है चाहे कोई खेड दा है किसी भी फील्ड का इन्हों तो कोई लुकया नहीं हुंदा सी जदों असी एक भी माण वाली गल है कि जिहड़ा बंदा सानू स्टूडेंटा नू सीट तो मिलती नहीं हुंदी सी बस दे छत ते बैठ के आउंदे हुंदे सी भी जिहड़े मुफ्त वाले ने छत ते बह जाओ जिहड़ा बंदा छत ते बैठ के कॉलेज आउंदा सी अज ओह हैलीकाप्टर ते उतरिया साडे लई सब तो वड्डी माण दी गल सो जिहड़ा कॉलेज है मेरा ख्याल है भी पंजाब का पहला कॉलेज होगा नहीं तो जिन्हें भी मुख्यमंत्री होए ने कोई लाहौर पढ़ते सी जां किते होर जगह ते पढ़ते सी पर एक बहुत जिन्हों छोटा कस्बा समझा जाता है उस कॉलेज दे विच कई कॉलेजों दे विच हुंदा साडे चों इन्ने आई एस गए इन्ने पीसीएस गए पर इत्थे
पंजाब की सब तो बड़ी कुर्सी से जो विराजमान ने इस कॉलेज ने वह चीज दी। सो सानू माण है कि साडे पिछड़े इलाके चो, क्योंकि जो भी पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन है सारे पुराने देखे होणगे, वह वड्डे घराणिया चो जिन्हां दे मतलब पता ही नहीं किन्नियां जायदादां होणगियां, एक नवे जिहड़े एक पंजाब नूं नवा सूरज चढ़िया, एक आम घर का मुंडा मुख्यमंत्री सिर्फ 12 साल का पोलीटिकल कैरियर होवे ते मुख्यमंत्री की कुर्सी से बैठे, सानू इस गल का माण है कि साडे कॉलेज का स्टूडेंट भाई भगवंत मान। सो बाकी काफी गल्लां नूं मान साहब भी दसणगे साडे कॉलेज दे विच किवें कंपीटीशन ते लड़न असी कंपीटीशन लड़न जांदे होंदे, साडे कॉलेज दे कोले ग्रांटां बहुत घट हुंदियां सी, सानू बस का किराया देण नूं भी नहीं हुंदा सी, असी कोई ना कोई जुगाड़ करके जांदे हुंदे असी काफी। बाकी हुण मान साहब दसणगे, गीत कह रहे ने, चलो जी यारा वे भी गाऊंगा, पर एक मान साहब ने लिखा जदों प्लस वन च हुंदे सीगे इह, इहनां ने मैं तां गाऊंगा ਉਹ ਵੀ ਗਾਊਂਗਾ, ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਗਾਊਂਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਸਰੂਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਸਰੂਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆ ਗਏ ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ ਬੇ ਦਰਦੇ, ਸਰੂਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆ ਗਏ ਹੈ ਸਰੂਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਮਰਹੂਮ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਗੀਤ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ। ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਅੰਗੂਠੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਲ ਤਰਸਦੇ ਕੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੱਕ ਵਗਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਕਰੇੜੇ, ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ, ਤੂੰ ਮਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ।